हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्ष वगैरह है। अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस के अंदर अपन फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स और उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फो अपन ने प्रोवाइड करी थी, मतलब गेन करी थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ देखते हैं, जितना भी जो भी सिस्टम हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है अपन आगे चलेंगे। ठीक है, अभी देखो आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बहुत ज़्यादा बेसिक आर्टिकल है। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन करा गया है पार्ट 3 और पार्ट 4 के पर्पजेज के लिए, समझ में आया? ठीक है, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 का क्या मतलब है? पार्ट 3 का मतलब फंडामेंटल राइट्स है ना, और पार्ट 4 का मतलब डीपीएसपी। तो डीपीएसपी भी जब अपन पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो आर्टिकल 12 के अंदर या फिर जो पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट को डिफाइन करा गया है उसी डेफिनेशन को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। पहले 4 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पांचवा पॉइंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर जो है प्रीलिम्स के अंदर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे प्रीलिम्स के अंदर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और वो डिंग 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 ऐसे 4-5 स्टेटमेंट्स होते हैं या 2-3 स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, 4-5 तो नहीं, 2-3 स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें से आपको जो है ऑप्शन ढूंढने होते हैं। तो जो पूरा का पूरा खेल होता है वो इन द कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ होती है वो कन्वेंशन से होगी या फिर जो है किसी और स्टैट्यूटरी लॉ से होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी, समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए ये पता करना बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो चीज़ है स्टेट के डेफिनेशन के अंदर, जो सबसे पहली चीज़ आती है, डैट इज ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव यूनियन, सॉरी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ जो है यूनियन, ठीक है, या फिर सेंटर। तो यूनियन या फिर सेंटर के ऊपर जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं उनकी पूरे के पूरे आर्म को अपन स्टेट की डेफिनेशन के अंदर गिनेंगे। सेम चीज स्टेट के केस के अंदर भी होगी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आई होप आप मतलब समझते होंगे। यूनियन के ऊपर लेजिस्लेचर के अंदर कौन होता है? पार्लियामेंट होता है ना, और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन होता है? सीओएम होता है ना, यूनियन सीओएम। तो फिर स्टेट के अंदर जो है, स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव में कौन होता है बताओ? स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो स्टेट का सीओएम होता है वो होता है, और कौन होता है? और जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, यहां पर तो लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, यहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ केसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है वो, समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज है? और लोकल गवर्नमेंट्स, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज एंड अदर जो भी पोर्ट ट्रस्ट वगैरह और ऐसी कुछ भी अथॉरिटीज वगैरह होगी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट्स बॉडीज वगैरह भी जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी, है ना। चौथी चीज क्या आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? चौथी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखी हुई है? सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का मतलब होता है ऐसी अथॉरिटीज जिनके पीछे कोई ना कोई एक्ट बना हुआ हो तो वो स्टैट्यूटरी हो जाएगी, और बिना एक्ट के भी अगर कोई जो है अथॉरिटी कोई बॉडी होगी तो वो नॉन स्टैट्यूटरी के अंदर आएगी। जैसे सेबी जब बनी थी तो सेबी के पीछे कोई भी एक्ट नहीं था, अब तो एक्ट है लेकिन उस समय पर एक्ट नहीं था, समझ में आया? उस समय पर एक्ट नहीं था। और आरबीआई जो है तो आरबीआई के पीछे एक्ट है, समझ में आया? ठीक है, तो आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये तो अब स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज का एग्जाम्पल जो है, अब ऐसे एकदम से मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे काफी सारी बॉडीज होती है, ठीक है, जैसे सेबी का एग्जाम्पल ही ले लो। तो सेबी के एग्जाम्पल के अंदर सेबी में पहले सेबी बॉडी बनी थी, बाद में उसके ऊपर एक्ट आया था इसको बैक करने के लिए, बाद में इसका जो है सेबी का एक्ट आया था, समझ में आया? ठीक है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंटरप्रिटेशन वगैरह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 12 के अंदर इन चार के अलावा, चार कौन कौन सी चीजें हैं? यूनियन का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज और अदर जो अथॉरिटीज है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। इन अथॉरिटीज और इन सब बॉडीज के अलावा जो है जो प्राइवेट्स हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, वो सारी कंपनीज भी स्टेट के अंदर आएगी। तो इस हिसाब से तो पूरी पूरी धरती स्टेट के अंदर आ गई? नहीं, ये जो प्राइवेट है, ये जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस कंपनीज वगैरह हैं, ये वही आएंगी जो कि स्टेट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है, समझ में आया? रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ,
जैसे अगर आप कभी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर गए हो, तो आपके एरिया के अंदर, मतलब आप जिस शहर में, उसके पासपोर्ट ऑफिस के बारे में मैं इतना जो है फॉर श्योर नहीं बता सकता, जैसे, लेकिन मैं मेरे पासपोर्ट ऑफिस का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं जब अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाने गया, तो वहां पर जो है वो पूरी की पूरी जो फैसिलिटी थी, वो फैसिलिटी आती किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है। दैट इज ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। लेकिन इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को मैनेज कौन कर रहा है? पासपोर्ट के लिए पूरी पूरी फाइलिंग प्रोसेस वगैरह कौन कर रहा है? पासपोर्ट के लिए पूरा जो है फोटोज वगैरह से लेकर के, और उसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह से लेकर के, और उसके अलावा बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह से लेकर के, सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? तो सारी की सारी चीजें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS के एम्प्लॉयज कर रहे हैं। समझ में आया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एम्प्लॉयज कर रहे हैं। ऑफिस आता किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। क्या TCS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है? नहीं आता है। समझ में आया? उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये चीज हो रही है। अब ये ऐसा नहीं कि गलत है, अनएथिकल है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई अपना पासपोर्ट जो बना रहे हैं, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बना रहे हैं, तो वो तो TCS के एम्प्लॉयज हैं। लेकिन वो TCS के एम्प्लॉयज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसका पार्ट है? स्टेट का पार्ट है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए TCS को भी इस लाइट के अंदर, स्टेट के अंदर देखा जाएगा। समझ में आया? अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी केस होगा, तो TCS को किसके जो है साथ में देखा जाएगा? TCS को देखा जाएगा स्टेट के साथ में, स्टेट के तौर पर, कि ये भी एक स्टेट का ही एक अंग है। समझ में आया? एक पार्ट है। समझ में आया? इसके अंदर कोई डाउट है? ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, ठीक है, छोटा वीडियो बनाते हैं। कोई अगर डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके अलावा जो है बाकी के पुरानी वीडियोज वगैरह के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर देना तो आपको मिल जाएगी। मतलब मैं ऐसे ज़बरदस्ती अपलोड नहीं करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग इतना मांगते नहीं, तो ठीक है। समझ में आया? चलो, थैंक यू।